क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास नाइन्थ का किस बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये टॉपिक आपका ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकता है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड थे, एक मेथड था आपके पास जैब्रिकल मेथड, और आज हम बात करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना ग्राफिकल मेथड से। यस, तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, जिसने भी ग्राफ्स के बारे में लास्ट वीडियो में नहीं देखा वो आई बटन को क्लिक करे और फटाफट से ग्राफ्स के बारे में देख कर आए, क्योंकि ग्राफ्स में नहीं देखा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से हो ही नहीं पाएगी। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलना है, चाहे आपका कोई डाउट हो चाहे आपको क्लास वीडियो कैसी लगी है। तो देखिए क्या बात आई हमारे पास, हमें ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को बता देना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, या वी आर टेकिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हमने सबसे पहले एक कंडीशन लगाई कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी खुद की कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है। कंसीडर किया मेरा ऑब्जेक्ट विच हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, उसकी कुछ ना कुछ क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, एंड दैट इज यू। ओ ए मेरा क्या है, यू के इक्वल है। इतनी बात आ गई सबको समझ, सिर्फ इतना सा किया हमारे पास, हमने जैब्रिकल मेथड से देखा था, अब हम ग्राफ की हेल्प से देखेंगे। फिर टी टाइम बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी बन गई क्या, वी। ठीक है, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या बन गई है, वी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, पहले क्या थी इनिशियल वेलोसिटी, अब क्या है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई डी पे, तो डी तक हमने माना कि बी डी की वैल्यू मेरे पास क्या है, वी। ठीक है, टाइम टी है मेरे पास, मतलब ओ बी मेरा टी के ऊपर। अब आ जाती है हमने कि जो हमने ग्राफ पढ़े थे उससे हमने क्या देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन हुआ, स्ट्रेट लाइन ही हमने ये बात कही, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब क्या कहा, हमें वहां से एक बहुत अच्छा सा कंक्लूजन मिला था, एक्चुअल में तो तीन मिले थे पर इसमें अभी पहला यूज हो रहा तो हम पहले की बात करेंगे। पहले वाले ने क्या कंक्लूजन नोट डाउन कर रखा है आप लोगों ने अपने नोट्स में, नहीं किया तो नोट डाउन कीजिए। कंक्लूजन था हमारे पास कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप होता है, यस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप होगा आपके पास, स्लोप का मतलब क्या होता था, दैट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस उसको हम क्या बोल देते थे, स्लोप। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमेशा आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। सबसे पहली बात इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। यही अगर बात आ जाती डिस्टेंस टाइम की तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे देता है, वेलोसिटी। सही बात, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आप लोगों को, एक्सेलरेशन। नोट डाउन हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए हम लोग सीखते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से हम डिराइव करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हमने बोला वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। स्लोप हम कैसे निकाल देते हैं, हमारा ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल ए सी एंड डी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में स्लोप हमेशा कैसे निकालने को मिलता है, स्लोप हमेशा मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये आपके मैथ्स का कंसेप्ट है कि स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आप लोगों को पता है, जहां पे भी 90 डिग्री बनता है उसको क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी डी, सी डी इज द परपेंडिकुलर, एंड बेस, बेस क्या होता है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहा होता है, तो बेस क्या हो गया, ए सी। ठीक बात, स्लोप जो है वो क्या आ गया, सी डी बाय में ए सी, और ये स्लोप किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के, क्योंकि हमें कंक्लूजन मिला हुआ है वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू c
बार में एसी। इतनी बात क्लियर है सबको। अब देखिए सीडी, क्या पता आपको ये सीडी क्या है? नहीं पता, नहीं पता ना सीडी क्या है, सी से लेकर डी तक क्या है हमें नहीं पता। पर आपको पता क्या है, ये पूरा कितना आपके पास वी, ये छोटा कितना आपके पास यू, तो ये कितना बच गया यस। हम पूरे में से नीचे वाले को अगर हटा देंगे, पूरा हमें पता है पूरे में से नीचे को हटा दिया तो कौन बच गया, ऊपर वाला बच गया। तो सीडी मेरे पास क्या है, सीडी मेरे पास है बीडी, पूरा बीडी माइनस में ये छोटे वाला क्या है बीसी, बीडी माइनस बीसी अपॉन में क्या है एसी, ठीक है, इक्वल किसके है एक्सेलरेशन के। क्लियर इतनी बात। चलो आप वैल्यूज रखिए, बीडी की वैल्यू आपको पता है क्या है, बीडी की वैल्यू आपके पास बीडी कितना है आपके पास बी से डी, बी से डी आपके पास क्या हो जाएगा वी, बीडी है, बीडी हमारे पास क्या है वी, तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई वी, ठीक बात। बीसी, बीसी ये है कितना है बीसी आपके पास यू, तो क्या आ गया वी माइनस यू। एसी, एसी कितना है आपके पास, एसी कितना है टी, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ए टी वी माइनस यू। अब हमें क्या करना है, हमें तो v की इक्वेशन निकालनी है, तो v की इक्वेशन क्या आ जाएगी u प्लस ए टी, v की इक्वेशन क्या आ गई आपके पास u प्लस ए टी, दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम क्या बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमने ये किसकी हेल्प से निकाली है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक बात, पहले हमने बात की थी फर्स्ट इक्वेशन की, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और इजी है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट, मतलब फर्स्ट भी इजी थी कह दो, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके लिए कंक्लूजन नंबर टू लगेगा। वीटी ग्राफ का सेकेंड कंक्लूजन हमारे पास क्या होता था कि इसका एरिया अंडर द कर्व, याद आ गया सबको क्या था, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का जितना भी एरिया होगा वो हमें क्या दे देगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर इतनी बात, कर्व के नीचे का एरिया हमें दे देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरा कर्व, कर्व के नीचे का एरिया क्या देगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए कर्व के नीचे क्या बन रहा है, सबको दिख रहा है ट्राइंगल, वेरी गुड, और क्या है नीचे, पूरा ही नीचे लेना हमें, तो फर्स्ट एरिया तो ट्राइंगल है, सेकंड क्या आपके पास रेक्टेंगल है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल को जब आप ऐड कर दोगे तो इस कर्व के नीचे का एरिया आ जाएगा, और कर्व के नीचे के एरिया को हम लोग क्या कह देते हैं डिस्टेंस। तो अभी हमें यही फाइंड आउट करना है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड किसके इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड के, ठीक बात। अब फर्स्ट का एरिया निकाले, क्या ये ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस में क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, सही बात है ना, इक्वल किसके आ जाएगा एस के, ठीक है इतनी बात। किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से आपने इक्वेशन निकालनी थी, तो आपने ग्राफ का ही हेल्प लिया, ग्राफ कह रहा था एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे वाला एरिया हमेशा क्या होगा डिस्टेंस, तो हमने देखा कर्व के नीचे तो दो चीजें बन रही है, ट्राइंगल और दूसरा रेक्टेंगल, तो हमने क्या लिख दिया ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल गिव्स यू डिस्टेंस। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ट्राइंगल का दिस वन इज द बेस, तो बेस कितना हो गया ए सी। अब बात करें हाइट की, तो हाइट क्या है आपके पास दिस वन, दिस वन इज द हाइट, तो सी डी मेरे पास क्या हो गई हाइट हो गई। प्लस में मुझे क्या करना है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब ए सी इंटू ए बी, सी डी बी सी कुछ भी लिख दीजिए सेम बात होती है, इक्वल आ जाएगा एस के, मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए हाफ वैल्यूज पुट करनी है आपने आपके ग्राफ से, ए सी देखो ए सी क्या है, ए से सी क्या है ए सी टाइम टी, सी डी सी से डी, सी से डी क्या है आपके पास, इसका नहीं पता तो वही सेम चीज बड़े में से छोटे को माइनस, तो
बड़े में से छोटे को माइनस किया तो क्या आ गया बी माइनस यू। ठीक है, आगे देखो एसी, एसी क्या है वापिस से टी, बीसी, बीसी ये छोटा है, छोटा क्या है यू। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबने देखी थी, क्या थी v माइनस यू इक्वल्स टू 80। यहाँ पे v माइनस यू है, हम लोग क्या पुट कर सकते हैं v माइनस यू को 80 पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू टी, v माइनस यू क्या है आपके पास 80 प्लस में यू टी इक्वल किसके है s के, तो s की इक्वेशन यहाँ से क्या बन गई हाफ 80 स्क्वायर प्लस यू टी इक्वल्स टू s। ये क्या आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। डन है सबका, नोट डन कर लीजिए इसको। करना क्या था आपने, सिर्फ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, ट्राइंगल हो गया रेक्टेंगल हो गया आंसर आ गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, अब हम बात करने वाले हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उसे आएगी जिसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, इसलिए जिसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आई है एक बार दोबारा से चेकआउट कर लीजिए। तो क्या आया हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड से। सेकंड क्या थी आपके पास, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। याद हो जानी चाहिए आपको इक्वेशन बहुत अच्छे से। फर्स्ट इक्वेशन क्या, वी इक्वल्स टू यू प्लस 80, सेकेंड क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड क्या आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। जिस जिसको याद हो गई है वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दो। तो देखो अब ये हमारे पास, हमें क्या करना है t की वैल्यू बनानी है। तो हमने देखा हमें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, क्या होती थी v इक्वल टू u प्लस 80 है ना, हमें t को रिप्लेस करना है क्योंकि मेरा जो रिलेशन है वो क्या है डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में है, टाइम उसमें है ही नहीं। तो जस्ट रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के लिए क्या करना है, हमें v माइनस यू इक्वल टू 80, t की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस यू बाय a इक्वल टू t, t की वैल्यू आ गई, जस्ट यू हैव टू पुट इन द s, पुट कीजिए s u, t की जगह क्या है मेरे पास v माइनस यू बाय a, पुट कर दिया v माइनस यू बाय a प्लस हाफ a, t की जगह क्या है v माइनस यू बाय a का स्क्वायर। ठीक है, इतना बहुत बढ़िया। अब क्या कर देंगे आप, ये क्या हो गया यू वी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या हो गया माइनस यू स्क्वायर बाय में a, इधर से करा तो क्या हो जाएगा हाफ a, a का स्क्वायर तो हो गया a स्क्वायर, ऊपर वाले का किया तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इतनी बार अब क्या कर देना आपने a के से a के कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया s इक्वल्स टू यू बी माइनस यू स्क्वायर बाय a। ठीक है, इतने बार यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 a b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो अभी क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाला सेम नहीं होता डिनोमिनेटर तो सबसे पहला सेम कीजिए, तो क्या आ गया 2a। अब क्या होगा 2 यहाँ से लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस a हमारे पास यहाँ पे था है, तो ये सारी टर्म सीधी हो जाएगी v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। देन इतनी बात, हमने सिर्फ एलसीएम लेना था और ले लिया। अब क्या हो जाएगा प्लस का 2uv माइनस का 2uv कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस u स्क्वायर, इधर क्या है v स्क्वायर अपॉन में क्या है 2a इक्वल किसके है s। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर गया तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये मेरी क्या आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास, 2as, s मतलब डिस्टेंस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारे पास क्या थी, हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन करनी थी, तो लास्ट हमारे पास थी डिस्टेंस वेलोसिटी, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और साथ ही साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। थैंक यू।